हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवेशास क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि हम बहुत बार अपने घर से या रूम से एक ही डेकोर से बोर हो जाते हैं और चाहते हैं कि उसमें चेंजेस करें, लेकिन क्या होता है कि अगर हम कभी भी अपने रूम के मेकओवर की सोचते हैं तो वो ओवर बजट हो जाता है या फिर हमारे बजट से बाहर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम मेकओवर के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे काम जो कि अगर आप अपने बदलाव अगर अपने बेडरूम में करते हैं या फिर कुछ ऐसे काम हैं जो कि आप अगर अपने बेडरूम में करते हैं तो वो एक छोटी छोटी सी चीजें जो है वो एक बड़ा बदलाव आपके रूम में लेकर के आ सकती हैं और काफी अच्छा लगेगा आपको। तो मैं भी बहुत ही ज्यादा मिनिमम चीजों से अपने बेडरूम का मेकओवर करने वाली हूँ और आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दें और शेयर जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें विद बेल बटन, जिससे कि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और दूसरी चीज ये कि इन जितने भी प्रोडक्ट्स को मैं यूज कर रही हूँ उन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहले मैं बता दूं। तो अभी आप आगे देखेंगे जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो वही है ना कि घर की चीजों को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं हम या फिर कोई चीजों को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं तो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ मेकओवर। ये छोटा सा ही मेकओवर है तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो मेरा रूम अभी कुछ इस तरीके से दिखता है आपके साथ में। मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में और बहुत ही सिंपल सा है और मैं डेली रूटीन के लिए थोड़ा सा हल्का सा मेकओवर कर रही हूँ। बाकी जब प्रॉपर मेकओवर करूँगी तो उसका वीडियो अलग से मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी और वो वीडियो भी जल्दी ही लाऊंगी, कोशिश करूंगी जल्दी ही आए। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने अपने बेड के लिए हल्का सा डिफरेंट करने के लिए क्या किया है, ये मेरा DIY कुशन कवर था और उसके अंदर मैंने एक पिल्लो को, जी हाँ पिल्लो जो होते हैं कॉटन वाले जिसमें हम फाइबर रुई भरते हैं, तो उसको थोड़ा सा उसके अंदर से रुई निकाल करके कुशन खुद ही बनाया था और उसके बाद में उसको स्टिच कर दिया था हाथ से। इसके लिए मशीन की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छा कुशन बन करके रेडी हो गया और कवर मेरे पास पहले से ही था। ये DIY कवर है और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, मैचिंग मेरी बेडशीट से मिल गया तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। उसके बाद में बारी आई रग की, तो रग भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है तो मैंने अपने रूम की थीम के अकॉर्डिंग ही लगाया है। आपने देखा होगा कि पिंक और रेड कलर की थीम है मेरे बेडरूम की, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर रग भी डाल दिया। अब उसके बाद में बारी आई है टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट करने की, तो टेबल के ऊपर मैंने ये रनर डाला है, रनर तो नहीं है इसको प्लेसमैट ही कहेंगे क्योंकि ये मैंने प्लेसमैट लिया था। और कलर थीम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रखी है एक बुद्धा की पेंटिंग जो कि अगेन एक DIY है। और उसके बाद में मैंने रखा है यहाँ पर एक अपना फ़ोटो फ्रेम जो कि लाइट से चलता है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बारी आई है इस वॉल को डेकोरेट करने की, तो ये वॉल आप देख सकते हैं बिल्कुल ही प्लेन थी तो इस पर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये बर्ड केज जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसको मैंने थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर बांध दिया है और हैंग करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने लगा दिया है। आप देख लीजिएगा, मैंने इसका वीडियो अलग से शेयर किया है कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को हैंग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस बर्ड केज को हैंग कर दिया जिसके अंदर लाइट्स थी और अभी ये बर्ड केज का थ्रेड ना चमके उसके लिए मैंने एक ये क्रीपर ली है और लिया है ये पेपर टेप। तो पेपर टेप को, क्रीपर को मैंने थ्रेड के ऊपर अच्छे से लगा दिया है जिससे कि थ्रेड भी ना चमके। वैसे तो थ्रेड भी इतना ख़राब नहीं लग रहा था लेकिन ये है कि जितनी भी हमारी ये क्रीपर है वो उससे थोड़ी सी कमरे में ग्रीनरी ऐड करेगी। और क्रीपर को मैं पेपर टेप की हेल्प से अपने जो थ्रेड है थ्रेड के ऊपर लगा दूंगी और जितनी भी क्रीपर, क्योंकि क्रीपर तो ये लंबी है तो फिर इसको क्या किया है मैंने वापस से पीछे को मोड़ दिया है, यानी कि ऊपर के साइड को मोड़ दिया है तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा
हैवी लुक दे रही है। हैवी लुक यानी कि घनी लुक दे रही है, क्योंकि क्रीपर थोड़ी सी हल्की थी। तो इसको करने में 5 से 7 मिनट लगा है। और पेपर टेप का या मास्किंग टेप के यूज़ का सबसे बेनिफिट ये मुझे लगता है कि एक तो इसके निशान नहीं पड़ते हैं, दूसरी चीज़ ये इसको जब भी मर्जी आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। और हल्की फुल्की चीज़ें जो भी होती हैं उनको अगर आप कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इससे अच्छे से लगा सकते हैं। आपको ये अगर आपने नोटिस किया हो या आपने देखा हो मेरा पिछला वीडियो, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मेरे जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट के क्रीपर हैं वो मैंने मास्किंग टेप यानी कि पेपर टेप की हेल्प से ही हैंग किया है और वो बहुत अच्छे से हैंग हो जाते हैं। तो अभी लग गई है मेरी ये क्रीपर और लगने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रही है और इसमें पेपर टेप के निशान भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है, लेकिन फिर भी अभी ये तो तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने लाइट लगा दी और नीचे ही साइड में मेरा है एक प्लग पॉइंट, तो प्लग पॉइंट को भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मास्किंग टेप से ही मैंने स्टिक कर दिया है बाकी के जो वायर था इसका, और प्लग पॉइंट के इसलिए पास में मैंने लगाया है जिससे कि इसके अंदर की लाइट भी हम चला सकें। लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये मेरी वॉल खाली लग रही है, तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये कुछ सर्कल के ये वॉल डेकोर है, और ये भी मैंने अमेज़ोन से लिए थे, आज से काफ़ी साल पुराने हैं ये लगभग 7 से 8 साल पुराने हैं। ये सेल्फ एडहेसिव वाले आते हैं, तो हालाँकि इसका एडहेसिव तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये मैंने पहले अपने लिविंग एरिया में लगाए थे और ये लगाने के बाद में दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं इसके एडहेसिव को। तो अभी इसका एडहेसिव तो ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पेपर टेप और सेलो टेप की हेल्प से ही लगा करके कोशिश करती हूँ, देखते हैं ये आइडिया कामयाब होता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, इसका ये जो एडहेसिव था ये ख़राब हो गया था। मैंने इन सभी सर्कल को अच्छे से पहले पानी से वॉश किया और वॉश करने के बाद में ये पेपर टेप को मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं घुमा करके थोड़ा सा छोटा पीस बना दिया है, और इसको एक साइड से मैंने इधर लगा दिया है, दूसरा साइड मैंने वॉल पर लगाने के लिए छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, सेलो टेप के निशान भी आपकी वॉल पर नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो मैंने सभी सर्कल्स के ऊपर इस तरीके से पेपर टेप और कुछ पर सेलो टेप लगा दिया है, और लगाने के बाद में मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। हालांकि जिस पर मैंने पेपर टेप लगाया था उस पर तो ये अच्छे से नहीं स्टिक हुआ है, जिस पर मैंने सेलो टेप लगाया था वो वाले सर्कल बहुत अच्छे से स्टिक हो गए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सर्कल अगर इस टाइप के हैं, आप नए खरीद रहे हैं तो आपको आप सेल्फ एडहेसिव मिल जाएगा, और अगर आपने रीयूज़ कर रहे हैं तो इसको सेलो टेप की हेल्प से लगा सकते हैं आप आसानी से। और जब मैंने इनको रिमूव करके भी देखा था तभी भी वॉल पर से ये नहीं उतर रहे थे, और इसका एक्सपीरियंस मैं पहले ही कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने वुडन एक मेरा घर में हो रखा है वुडन वर्क, तो उसके ऊपर भी मैंने लगाया था, उसको 4 से 5 दिन तक लगा करके रखा था इन सर्कल्स को, तो ये उस पर से भी नहीं उतरे हैं। इसके बाद ही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइप से मैं ये सर्कल इनके यहाँ पर पूरी वॉल के ऊपर लगा दूंगी। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डिज़ाइन में लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरा ये लंबाई में जो एक छोटा सा टुकड़ा था ये खाली पड़ा था तो मुझे इसको कवर करना था, इसीलिए मैं इसको थोड़े से लेंथी वे में इसको स्टिक कर रही हूँ। बाकी आप चाहें तो पूरी वॉल के ऊपर भी स्टिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इनको कुछ इस तरीके से स्टिक किया है, और स्टिक करने के बाद में यकीन माने ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। मेरी वॉल बिल्कुल एकदम लाइव लग रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि ये पहले लिविंग एरिया में लगे हुए थे तभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इसके बाद में मैंने रखा है यहाँ पर एक प्लांट जो कि लाइव प्लांट है, और ये फोनिक्स पाम है। फोनिक्स पाम की कैसे केयर करती हूँ इंडोर, इसके ऊपर मैंने आपके साथ में अलग से वीडियो शेयर किया है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो चेक कर लें। और पूरा मेकओवर बस इतना ही छोटा सा था। यहाँ पर मैंने ये एक कवर लगाया है, टेबल का कवर, जो कि मैंने रेड और पिंक कलर से मैच करते हुए ही लगाया है, और उसके बाद में थोड़े से चेंजेस से ही मेरे रूम का लुक बहुत ज़्यादा बदल गया है और पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे खुद को भी, क्योंकि कोई भी कॉर्नर अगर आप बेडरूम में चेंजेस करते हैं थोड़े बहुत भी तो ये बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नज़र आते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आपको दिखा देती हूँ पूरा लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये
क्या ये आपको बजट में लगा और क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आपको। ये कुछ आइडियाज़ थे जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। आप चाहें तो यहाँ पर टेबल भी लगा सकते हैं, छोटे बड़े प्लांट्स भी लगा सकते हैं। मुझे ये टेबल थोड़े फंक्शनल वे में चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसको यहीं रहने दिया है। और बस आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर से करें। जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।